मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम फिर लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है स्वर। वर्णमाला के अंदर हमारे सबसे पहले हम स्वर लिखते हैं और स्वरों की जो संख्या है वो है 11 मीन्स 11। ठीक है, स्वर हमारे 11 होते हैं, उनको हम आज लिखना सीखेंगे कि कैसे उनको अच्छी राइटिंग में लिखते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उनकी बनावट किस प्रकार करते हैं, आइए हम सीखते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे जो लिखते हैं तो अधूरा यानी कि अधूरा भी लिख देते हैं, वहीं पर उसका तरीका लिखने का भी गलत होता है। अगर मान लो मैं बात करूं ओ की या अ की, तो वो पहले क्या करते हैं, पहले जैसे डंडा खींचते हैं, फिर तीन तीन लगाते हैं ऐसे तीन, और फिर बीच में ऐसे निशान लगाते हैं। तो ये मतलब लिखने का तरीका नहीं है, वर्ण तो हमारा बन जाता है लेकिन तरीका नहीं है। तो तरीका आज हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहला जो हमारा स्वर है, वर्ण है, वो क्या है, अ। कैसे लिखेंगे हम उसको, पहले हम इस प्रकार बनाएंगे, उसके बाद बीच में से ऐसे इसको निकालेंगे और फिर हम इसका इस प्रकार निकालेंगे। यह हमारा बन जाता है अ। ठीक है, और जैसे हमने अ लिखा है उसी प्रकार हमने आ लिखना है, और के बाद हमने एक आ की मात्रा लगा देनी है तो हमारा अ बन जाएगा। आ कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार जैसे हमने अ लिखा था। ठीक है, और के बाद जैसे हमने ये अ लिख दिया, उसके बाद हमें यहाँ पर आ की मात्रा ही लगानी है, हमारा शब्द बन जाएगा आ। और आ ई कैसे लिखेंगे, देखो ये बन गया हमारा ई। इसके बाद ई कैसे लिखेंगे, पहले हम ई लिखेंगे और उसके बाद ऊपर इसकी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ऊ कैसे लिखेंगे, जैसे हमने शुरू में अ बनाया था उसी प्रकार हम इसको ऐसे कर देंगे, जैसे हम ट्री लिखते हैं तो हमारा उ बन जाता है। उसके बाद हम उ लिखेंगे, जैसे हमने उ लिखा था उसी प्रकार लिखे हम, और फिर यहां से इसकी मात्रा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है री। ये बन गया हमारा री। अ आ ई ई उ री। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा ऐ। ये बन गया हमारा ऐ। आए जैसा पहले हमने आ बनाया था, हम क्या करना है, बस इसको ऊपर मात्रा लगानी है। ये बन गया हमारा ओ। ओ बनाते हम इस पे एक मात्रा और लगा देंगे, ये बन गया हमारा आओ। अब हम काउंट कर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे स्वर है 11। लेकिन हम अ और अह को भी इसके साथ ही लिखते हैं, इन दो को भी हम वर्णों और स्वरों के साथ लिखते हैं। वैसे ये दोनों शब्द जो वर्ण है अंग और अह, इनको हम बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं, अयोग वाह। तो इनको इनके साथ ही लिखते हैं हम अंग है, और उसके बाद आह विसर्ग के साथ। ठीक है, तो ये हमारे 11 जो स्वर हैं और दो है हमारे अयोग वाह। क्या है ये, अयोग वाह। तो ये हमारे दो
जो हम उनको भी स्वरों के साथ ही लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इनकी बनावट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप सब अगर हम बात करें अ आ ओ औ हम अह उ और उ, इन सब की बनावट लगभग लगभग सेम है। तो बच्चों को आप स्वर और व्यंजन सिखाने से पहले इन शब्दों की प्रैक्टिस करवाए ताकि वो इन शब्दों को बनाना पहले सीख ले। उसके बाद जब 11 के 11 स्वर यानी दो अनुभाग को मिला के 13 के 13 जब वर्णों को वह लिखना सीख जाएगा तब आप उनको स्वरों की एक वर्णमाला के तहत स्वर हम पहले क्या लिखते हैं उसके बाद क्या आता है आप ये करवाएं। जरूरी नहीं कि बच्चों को पहले और ही करवाएं उसके बाद ये सब कराएं, ऐसी कोई नियम नहीं है कि हमको कहां से शुरू कराएं। जो बच्चा आसानी से वर्णों को बना सकता है हम पहले उसको वही सिखा देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप उसको वर्णमाला पे लेकर आए कि वर्णमाला हमारी क्या होती है और हम उसको सीरीज वाइज कैसे लिखते हैं, तो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे वर्णों को कर देगा क्योंकि वह इनको लिखना सीख चुका है। हमें फिर उनका ऑर्डर बताना है कि क्रम बताना है, क्रम में हम वर्णमाला की तरफ करेंगे इसको कैसे लिखते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, आगे हम लिखेंगे व्यंजनों के बारे में। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखते हैं उनको, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।